खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, शाम के 4 बज रहे हैं। एबीपी न्यूज पर अपने शो संविधान की शपथ के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। देखिए, चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, एक दूसरे पर वार पलटवार जो है सियासी मैदान में तेज होता जा रहा है। एक तरफ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो भ्रष्टाचार को लेकर लगातार राहुल गांधी और उनके परिवार पर हमला बोल रहे हैं। दूसरी तरफ है राहुल गांधी, जो राफेल का मुद्दा छोड़ने को तैयार नहीं है। कल पीएम मोदी ने संसद में कहा था कि भ्रष्टाचारियों को मोदी डराएगा। संविधान की शपथ में मुद्दा हमारा यही सवाल बड़ा सीधा, मोदी या राफेल, 2019 में कौन डराएगा? 2019 के द्वार बीजेपी कांग्रेस में आर पार। जी हाँ, आप चिंता मत कीजिए, देश को लूटने वालों को मोदी डरा के रहेगा। देश ने मुझे इसी काम के लिए बिठाया है। मोदी के खिलाफ राफेल लेकर रण में राहुल। कल भी शायद कितने घंटे बोले, नहीं एक सेकंड, एक बोलने दीजिए, एक घंटे 40 मिनट, एक घंटे 40 मिनट। अब प्रधानमंत्री को मालूम होगा कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने ऑब्जेक्ट किया होगा, ये फाइल तो प्रधानमंत्री ने देखी होगी। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने ये नहीं क्यों बोला कि देखिए डिफेंस मिनिस्ट्री ने ऑब्जेक्ट किया था, और डिफेंस मिनिस्ट्री के हर अफसर ने कहा था कि प्रधानमंत्री डायरेक्टली निगोशिएट कर रहा है, हर अफसर कह रहा था कि अनिल अंबानी को आगे बढ़ाया जा रहा है, तो प्रधानमंत्री ने उसके बारे में क्यों नहीं बोला? क्योंकि चौकीदार चोर है। आपने कहा मोदी संस्थाओं को खत्म कर रहा है। हमारी यहाँ एक कहावत है, उल्टा चोर चौकीदार को डांटे। राहुल का आरोप, मोदी ने खुद कर डाली राफेल डील। सच्चाई क्या है कि वायुसेना डिफेंस मिनिस्ट्री के लोग कहते हैं, और यहां उनका डॉक्यूमेंट है, कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री फ्रांस के साथ पैरेलल नेगोशिएशन कर रहा है, और अगर हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हमारी नेगोशिएटिंग टीम से खुश नहीं है तो वो अपनी नेगोशिएटिंग टीम के साथ डायरेक्ट नेगोशिएशन करे। PMO inquires about the progress of any work that cannot be construed as interference. And I would like to remind you, madam, through you, I would like to remind the entire house, what was the interference by the National Advisory Council, NAC, led by Srimati Sonia Gandhi? बयानों की बौछार, किसका होगा बेड़ा पार? जिन्होंने देश को लूटा है, जिन्होंने देश को तबाह किया है, उनको डरना ही होगा। मोदी या राफेल, 2019 में कौन डराएगा? देखिए, राफेल डील जो है वो देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, लेकिन आरोप इस डील में भ्रष्टाचार को लेकर लग रहे हैं। अब आपको बता देते हैं कि इस मुद्दे पर जो देश का संविधान है वो क्या कहता है, आप इसे जरा गौर से सुनिए। देखिए, देश की रक्षा सरकार की जिम्मेदारी है, इसके लिए कोई भी कदम उठाना सरकार का अधिकार है। अगर किसी तरह का भ्रष्टाचार हुआ है तो फिर उसकी जांच, भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत कार्रवाई भी सरकार की ही जिम्मेदारी बनती है। यह है संविधान का दायरा, जिसके तहत हम चर्चा करेंगे। आज की इस चर्चा में खास मेहमानों का पैनल जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ बीजेपी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया हैं, कांग्रेस की तरफ से पार्टी के नेता राजीव त्यागी जी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान मौजूद हैं, एक तो हमारे साथ पूर्व एडिशनल चीफ सेक्रेटरी वेस्ट बंगाल के पीके अग्रवाल जी हैं, और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं चर्चा शुरू करूं उससे पहले सभी मेहमानों से गुजारिश कि एबीपी न्यूज पर वो मुद्दे से जुड़े अपने तर्क रखें, ऐसी बातें ना करें जिससे किसी की भावनाएं आहत हो, क्योंकि देखिए हमारा जो मकसद है वो चर्चा करना है, हम बेकार का शोर नहीं मचाना चाहते, और एबीपी न्यूज पर मेहमान जो भी कहेंगे उनकी निजी राय या उनकी पार्टी की लाइन होगी, एबीपी न्यूज का उससे कोई लेना देना है नहीं। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, और कार्यक्रम की शुरुआत में एक एक मिनट का वक्त हम सब मेहमानों को देंगे बिना रोक टोक के अपनी बात रखने के लिए। सवाल जो है आज का वो मैं दोहराती हूँ, शुरुआत गौरव भाटिया आपसे, 2019 में मोदी या राफेल कौन डराएगा? आपका समय गौरव भाटिया शुरू होता है अब।
रोमाना जी देखिए, आज जो सारे तथ्य बाहर आए हैं उससे एक बात स्पष्ट हो गई है, जैसा नरेंद्र मोदी जी ने भी कल कहा था संसद में कि उल्टा चोर चौकीदार को डांटे, और ये तो फिर खानदानी चोर हैं। हमने देखा है कैसे सोनिया गांधी, राहुल गांधी बेल पे बाहर हैं, रॉबर्ट गांधी वाड्रा भी बेल पे बाहर हैं, और आज जो बड़ा सवाल है कि किस तरह का जो है पत्रकारिता की जा रही है। जो हिंदू में रिपोर्ट आई रोमाना जी, अगर आप उसको देखें, मेरे हाथ में है, तो नीचे जो सिग्नेचर है और जो उस वक्त के तत्कालीन रक्षा मंत्री का कमेंट है उसको जानबूझ के काट दिया गया। तो आज ये बड़ा प्रश्न है कि ये किसके इशारे पे किया जा रहा है, पत्रकारिता थी या ये क्या था? ठीक है। दूसरी बात, राहुल गांधी जो बड़े बड़े प्रश्न उठा रहे हैं, क्या राहुल गांधी बालक है? उनको नहीं पता कि सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट आ चुका है, सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि प्राइसिंग और प्रोसीजर और इंडियन ऑफसेट पार्टनर में कोई अनियमितता नहीं है। और दूसरा सवाल राहुल गांधी से मेरा है कि राहुल गांधी 10 साल के आप कमीशन तय कर रहे थे। गौरव समय हो गया, गौरव समय हो गया, एक मिनट आपको मैंने दिया बिना रोक टोक के। गौरव भाटिया, आगे आपके पास दोबारा आ जाऊंगी, ये कार्यक्रम का फॉर्मेट बदला है गौरव, एक एक मिनट शुरू में सबको दे रहे बिना रोक टोक के, तो प्लीज एक मिनट पहले बोल लीजिए, उसके बाद डिबेट खोलूंगी, फिर आराम से आगे बात बढ़ाएंगे। मैं राजीव त्यागी जी का रुख करती हूँ। राजीव त्यागी जी, आपसे भी सवाल वही, मोदी या राफेल, 2019 में कौन डराएगा? आपका समय शुरू होता है अब। राजीव त्यागी जी, देखिए, चौकीदार ही चोर है और चौकीदार को ही राफेल डराएगा, इसमें कहीं को दोराय नहीं। मेरे मित्र ने अंतिम वक्तव्य कोर्ट का दिया, तो कोर्ट का जो जजमेंट है मेरे हाथ में है। प्रश्न नंबर 11 पे बहुत स्पष्ट कोर्ट ने कहा है, इट वाज आल्सो मेड क्लियर दैट द इश्यू ऑफ प्राइसिंग और मैटर्स रिलेटिंग टू द टेक्निकल सुटेबिलिटी ऑफ द इक्विपमेंट वुड नॉट बी गोन इनटू बाय द कोर्ट। कोर्ट इसको डिसाइड नहीं करेगा। प्रश्न 11 पे दिया, प्रश्न 21 पे बहुत स्पष्ट कोर्ट ने कहा, द मटेरियल प्लेस्ड बिफोर अस शोज दैट द गवर्नमेंट हैज नॉट डिस्क्लोज्ड प्राइसिंग डिटेल्स अदर देन द बेसिक प्राइस ऑफ द एयरक्राफ्ट। ये कोर्ट ने बकायदा प्रश्न नंबर 21 पे टिप्पणी अपनी की है। दूसरी बात बहुत स्पष्ट मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस के तीन सवाल बहुत मुख्य है। पहला सवाल, 526 करोड़ का विमान जो कांग्रेस पार्टी लेकर के आ रही थी, पूरी टेक्निकली साउंड विमान था, ऐसा विमान जिसमें सारे इक्विपमेंट्स लगे हुए थे, वो 1611 करोड़ का कैसे हो गया, पहली बात। दूसरी बात, देश की रक्षा तैयारियों से आपने समझौता क्यों किया, 126 की जगह 36 विमान क्यों लेकर गए, दूसरी बात। तीसरी बात, एचएल की जगह अनिल अंबानी, समय हो गया, समय हो गया है, समय हो गया है, आगे आपके पास आ जाऊंगी, अभी एक मिनट आपका पूरा हो गया। मैं अग्रवाल जी का रुख करूंगी, पीके अग्रवाल साहब, ये तो सवाल मेरा हालांकि थोड़ा सा सियासी है सर, मुझे पता है आपको मैंने बुलाया इस चर्चा में ताकि मैं टेक्निकल जो सवाल हैं उनको क्लियर कर पाऊं, लेकिन फिर भी 2019 में कौन डराएगा, कितना दम आपको लग रहा है राफेल के मुद्दे पर, क्योंकि 2019 की लड़ाई जो है इस वक्त वो मोदी वर्सेज राफेल की बनाने की कोशिश कांग्रेस और राहुल गांधी की तरफ से। सर आपका एक मिनट शुरू होता है अब। अग्रवाल जी, देखिए मैं कौन डराएगा इसमें तो नहीं जाऊंगा, किंतु मैं ये कहना चाहता हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसीजर को ठीक बोल दिया तो इसके बाद कोई किसी में आपत्ति नहीं होना चाहिए, लेकिन जो डिफेंस मिनिस्ट्री का नोट आप उद्धृत कर रही हैं उसके अनुसार ऐसी झगड़े मिनिस्ट्री में और पीएमओ में और कैबिनेट सेक्रेटरी में होते रहते हैं, लेकिन उनको सुलझाना चाहिए, और उसके लिए मिनिस्टर ने कहा कि सेक्रेटरी डिफेंस और पीएमओ के सेक्रेटरी बैठेंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि जो आपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात कही है, कॉन्स्टिट्यूशन को शपथ के, इसमें जो मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी है जी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कॉन्स्टिट्यूशन में, इसलिए मिनिस्ट्री और डिफेंस को हमेशा आगे रखना चाहिए, क्योंकि वही रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री, और वो अगर आगे आती है तो वो निगोशिएटिंग टेबल पर फ्यूचर में स्ट्रांग होगी, क्योंकि इसमें फ्यूचर बड़े प्रोविजंस हैं कि जब राफेल का डील हुआ तो इसके बाद वो और मेंटेनेंस करेंगे और कोई इंडस्ट्री लाएंगे, पैसा इन्वेस्ट करेंगे, इसको कौन देखेगा? अगर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आगे नहीं रही तो नहीं देख पाएगी। ठीक है सर, इसके अलावा जहां तक समय हो गया सर, मैं दोबारा आपके पास आ जाऊंगी। सर आपने बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया, एक तो आपने कहा कि नोट को कुल मिलाकर ज्यादा तवज्जो तूल देने की जरूरत नहीं, दूसरा आपने भी कहा कि डिफेंस मिनिस्ट्री को आगे रखना चाहिए, तो इस पूरे मामले में क्या हुआ है ये मैं आगे आपसे समझूंगी, लेकिन पहले मैं प्रदीप सिंह जी का रुख करूंगी, वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी, 2019 चुनाव की नजर से ही सर सारी चर्चाएं हो रही है, मोदी या राफेल कौन डराएगा, आपका एक मिनट शुरू होता है अब। प्रदीप सिंह जी, देखिए रोमाना जी, मुझे लगता है कांग्रेस बहुत डिस्परेट है कि किसी तरह से राफेल को इशू बनाए, वो इशू बन नहीं पा रहा है, वो इशू शायद बना रहता अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में न गया होता। सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला दिया उसके बाद इस मुद्दे पर कोई नई बात, कोई नई चीज नहीं है। अभी राजीव त्यागी जी ने
प्राइसिंग पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जांच करना हमारा विषय नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट को उसमें कुछ गलत लगता तो सुप्रीम कोर्ट कहता हम तो जांच नहीं कर सकते, लेकिन किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से इसकी जांच कराइए। वो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा। अब अगर मुद्दा ये बनेगा तो सीएजी की रिपोर्ट से कांग्रेस को इंतजार करना चाहिए सीएजी की रिपोर्ट का। अगर उसमें कुछ एडवर्स आता है तो मुद्दा बनता है, नहीं तो सिर्फ राहुल गांधी रोज आधा सच आधा झूठ बोलेंगे, उससे ये मुद्दा नहीं बनने वाला है। भले ही वो कुछ देखिए, उनकी सारी कोशिश ये है कि किसी तरह से प्रधानमंत्री के की ईमानदारी पर जो है वो सवाल उठाया जाए, और वो सवाल वो प्रभावी ढंग से उठा नहीं पा रहे हैं। तो इस चक्कर में जो है वो अब 30,000 करोड़ सर हो गया एक मिनट हो गया सर, आगे दोबारा आपके पास आ जाऊंगी। गौरव आपके पास आ रही हूं, लेकिन उससे पहले राजीव त्यागी जी, यहां पर जो बड़ी राय निकल कर आ रही है सर, वो ये कि प्रोसीजर के बारे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कह दिया गया था सवाल उठाना चाहिए नहीं, नोट के लिए एक्सपर्ट का ये कहना है कि इस तरीके के नोट्स लिखे जाते हैं एक्सचेंज होते हैं उससे तूल नहीं देना चाहिए, और बड़ा आरोप आप पर ये लग रहा है कि राफेल मुद्दा है नहीं, कांग्रेस पार्टी जबरदस्ती उसे मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। राजीव त्यागी प्लीज रिस्पॉन्ड। मेरे पैनल के सम्मान में एक शेर पढ़ देता हूं, मेरा मुंसिफ ही मेरा कातिल है, मेरे हक में क्या फैसला देगा, प्रदीप जी की शान में ये शेर है मेरा। सुप्रीम कोर्ट का जो लास्ट पेपर है 28 नंबर पेज है, शायद नहीं पढ़ा होगा प्रदीप सिंह जी ने, जिसमें साफ लिखा है सुप्रीम कोर्ट वी आवर मेक इट क्लियर दैट आवर व्यूज आर अबाउ आर प्राइमरली फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ द एक्सरसाइज ऑफ जुरिस्डिक्शन अंडर आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जिस पीएसी की जिक्र अभी प्रदीप सिंह जी ने कहा, सीएजी का जिक्र किया, अभी तो सीएजी के पास रिपोर्ट नहीं है, तो पीएसी की रिपोर्ट पास कैसे पहुंचेगी? पब्लिक अकाउंट कमेटी के जो प्लीज मैं कंप्लीट कर दूं संदीप जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन निश्चित रूप से अगर आप देखेंगे तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं, जिन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत स्पष्ट कहा था, उसको एबीपी न्यूज ने कवर किया था, कहा था उन्होंने कि पीएसी के पास तो रिपोर्ट ही नहीं है। वो तो टाइपो एरर था, वो तो बात खत्म हो गई। और नहीं 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 नहीं, इतना बड़ा होता तो क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उसका संज्ञान नहीं लिया जाता? राजीव त्यागी जी ये सब दलीलें पूरी हो गई है, पुरानी भी हो गई है सर, आप जानते हैं अच्छे तरीके से। आने दीजिए गौरव भाटिया को, गौरव भाटिया प्लीज रिस्पॉन्ड। एक काम करिए फिर रोमाना जी, आपको एक सलाह देता हूं रोमाना जी, फिर कांग्रेस को राफेल पे बुलाना बंद कर दिया। राफेल पे डिबेट नहीं कर रही है, पर बात करेंगे साहब, वो डिबेट कर रही है, अपना टाइम जाया कर रही है, मेरा टाइम भी जाया कर रही है। राहुल गांधी बैठे थे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना, इस कागज पर बात कीजिए आज, आज आपके नेता ने यही कागज दिखाया था, उन्होंने ये आधा अधूरा वाला दिखाया था, मैं तो पूरा वाला भी लेकर आई हूँ, इसी पर आज बात होगी। गौरव भाटिया जरा अपनी बात रख ले, उसके बाद आप ही के पास आऊंगी राजीव त्यागी जी, आइए गौरव भाटिया। नहीं 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 सुनिए, आपका टाइम कीमती है नहीं है, लेकिन मेरा टाइम कीमती है रोमाना जी, जैसा मैं आपकी डिबेट का बहिष्कार करना चाहता हूँ, बिल्कुल बात पे राजीव जी गौरव भाटिया की बात सुनेंगे या नहीं सुनेंगे सर? मैं बहिष्कार कर देता हूँ आपकी डिबेट का, आपकी डिबेट का बहिष्कार कर देता हूँ, मुझे धमकाइए मत, आप मुझे धमकाइए मत कि आप मेरी डिबेट का बहिष्कार कर देंगे। आपको समय दिया गया है सबसे ज्यादा, अब तक जितने मेहमानों को टाइम दिया उससे ज्यादा आपको समय दिया गया है सर, और आप यहाँ पर बैठकर सहिष्णुता के नारे लगाती है कांग्रेस, ये सहिष्णुता बिना एलपी के बैठूंगा आपकी डिबेट पे। ठीक है सर, ठीक है, आपके पास नहीं है कांग्रेस की तरफ से कोई पक्ष रखने के लिए, बात तो बढ़िया है, आप हम पर क्यों ढाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं? आप मानिए कि कांग्रेस के पास नहीं है कुछ बोलने के लिए इस मुद्दे पर। गौरव भाटिया आइए। देखिए रोमाना जी, कांग्रेस के प्रवक्ता क्या बैठेंगे जब अध्यक्ष ही जालसाजी कर रहा हो? तीन मिनट वो हमारे सामने खड़े हो जाए, वो भाग खड़े हो, नरेंद्र मोदी जी से कहते हैं आमना सामना कर ले, मैं तो प्रवक्ता हूं, मैं चुनौती देता हूं राहुल गांधी को आपके सामने। देखिए इन्होंने जो काम किया यहां पर भी जालसाजी करी, पैरा 34 कंक्लूजन है जजमेंट का सर्वोच्च न्यायालय के, वो मैं जरूर रखूंगा दर्शकों के लाभ के लिए। उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है और मैं कोट कर रहा हूं, इन व्यू ऑफ आवर फाइंडिंग्स ऑन ऑल थ्री एस्पेक्ट्स क्या है रोमाना जी, प्राइसिंग प्रोसीजर और इंडियन ऑफसेट पार्टनर, एंड हैविंग हर्ड द मैटर इन डिटेल वी फाइंड नो रीजन फॉर एनी इंटरवेंशन बाय दिस कोर्ट ऑन द सेंसिटिव इशू ऑफ परचेज ऑफ 36 डिफेंस एयरक्राफ्ट बाय द इंडियन गवर्नमेंट। अब आप पैनल पे आइए, क्या देखिए यहां नहीं दिख रहा कि देश की जो जनता की राय है वही सम्मानित पैनलिस्ट की राय है? पीके अग्रवाल जी, प्रदीप सिंह जी, दोनों ने एकमत में यह बात कही कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद
अब इस पे राजनीति जो राहुल गांधी कर रहे हैं ये उनकी अपरिपक्वता है और वो दिखाता है कैसे गैर जिम्मेदाराना बयान वो दे रहे हैं। ठीक है गौरव, गौरव गौरव एक मिनट, गौरव एक मिनट, आ जाऊंगी आपके पास, गौरव आपके पास आ जाऊंगी, लेकिन पीके अग्रवाल साहब का आपने क्योंकि यहां पर जिक्र किया है और पीके अग्रवाल साहब ने शुरुआत में एक बड़ा वैलिड पॉइंट रखा था, उनकी तरफ से कहा गया था कि देखिए डिफेंस मिनिस्ट्री को आगे रहना चाहिए था। अग्रवाल जी आपसे समझना चाहती हूँ सर, ये जो डील हुई है राफेल को लेकर, ये जो अब कागज आ रहे हैं पब्लिक डोमेन में सामने निकलकर, जिस तरीके की टीका टिप्पणियां हुई हैं इस पर, क्या ऐसा हुआ जो आपने कहा कि डिफेंस मिनिस्ट्री को आगे रहना चाहिए था, क्या वो रही आगे या नहीं, ऐसा नहीं हुआ? नहीं, मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूँ जी, कि प्रत्येक जो मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी रिस्पॉन्सिबल है टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो उसी को आगे रहना चाहिए। और जहां तक प्राइसिंग का सवाल है, सीएजी एक बड़ा अच्छा इंस्टीट्यूशन है तो वो प्राइसिंग के ऊपर अपना कमेंट दे सकता है, उसको देके स्पेशल ऑडिट कराया जा सकता है। और ये कंट्रोवर्सी जो हो रही है पूरे देश में, क्योंकि वो ऑफसेट पार्टनर रखे या ना रखे वो तो उसका सुझाव है, जो डील हुई है जो प्राइसिंग हुई है उसमें उसको वो डिसीजन देंगे सर। लेकिन ये जो कागज सामने निकल कर आ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि संविधान ये कहता है कि जो सचिव है मंत्रालय का उसकी जिम्मेदारी बनती है उसे आगे रखना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तो सवाल ये कहकर उठाया जा रहा है ना कि साहब अगर पीएमओ ही सब कर रहा है तो फिर हमें क्यों जिम्मेदारी दी जा रही है, हमें मुक्त कर दो जिम्मेदारी। पीएमओ की जरूर जिम्मेदारी, क्यों पीएमओ पूरे पीएम पूरे देश के प्रति अकाउंटेबल है, ठीक है, जैसे चीफ मिनिस्टर है तो वो मॉनिटर करेंगे निश्चय, तो प्रत्येक मिनिस्ट्री का काम, ऐसा नहीं है कि पीएमओ का कोई रोल नहीं है। तो ये डिप्टी सेक्रेटरी की तरफ से जो पैरा 5 में बात कही गई है, इन्होंने गलत बात कही? नहीं, इनकी तरफ से जो कहा गया है कि पैरेलल डिस्कशंस बाय द पीएमओ, मतलब पीएमओ की तरफ से जो समानांतर डिस्कशन किया गया है डिसॉल्ट से राफेल के मुद्दे पर, हैज वीकेंड द नेगोशिएटिंग पोजिशन ऑफ एमओडी एंड इंडियन नेगोशिएटिंग टीम, ये कह रहे हैं इसने कमजोर कर दिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बार्गेन करने की, नेगोशिएटिंग की पावर जो थी उसे, और इंडियन नेगोशिएटिंग टीम की ताकत को ये कम कर रहा है। इसे किस तरीके से देखें, इस टिप्पणी को किस तरीके से समझा जाए सर? अग्रवाल जी देखिए, आ रही हूँ सर, आ रही हूँ। डिप्टी सेक्रेटरी ने जो लिखा मैं उसको भी अप्रिशिएट करता हूँ, ठीक है, आज भी हमारी नौकरशाही में दम है और वो ऐसा नोट लिख सकते हैं। हाँ। लेकिन इस नोट के ऊपर मिनिस्टर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, आपने जो बात कह दिया ना इसी पर मैं रोकूंगी आपको, दम है गौरव भाटिया, अग्रवाल साहब ने ना कहते हुए भी बहुत कुछ कह दिया और उसके बाद वो बाकायदा हंस रहे हैं ठहाका लगाकर, कह रहे हैं इस नोट से ये साफ होता है कि हमारी जो नौकरशाही है उसमें आज भी दम है कि वो पीएमओ को आईना दिखा दे कि साहब ये काम जो है वो डिफेंस मिनिस्ट्री का है, आपका नहीं है, आप जो कर रहे हैं उससे आप डिफेंस मिनिस्ट्री की नेगोशिएटिंग जो पावर है उसे कमजोर कर रहे हैं। रिस्पॉन्ड टू इट प्लीज गौरव भाटिया। नहीं, मैं तो पीके अग्रवाल जी ने जो कहा है उससे 100% सहमत हूं कि कितना अच्छा ये उदाहरण है कि हर जो अधिकारी है वो स्वतंत्र है कि वो अपनी राय दे सके, और आपके कार्यक्रम का नाम संविधान की शपथ है, तो मैं संविधान के ही कुछ प्रावधान बताऊंगा और उम्मीद करूंगा पीके अग्रवाल जी भी मुझसे सहमत होंगे। पहली बात यह होती है कि कोई भी अधिकारी अपनी बात रख सकता है रोमाना जी, लेकिन अंतोगत्वा निर्णय जो होता है वो मंत्री लेता है, वो फाइनल होता है। दूसरी बात, हमारे संविधान में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैबिनेट का असूल होता है, ये प्रिंसिपल होता है, इसलिए प्रधानमंत्री जो देश का है, जो डिफेंस मिनिस्टर है, उसकी पूरी पूरी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो लोकतंत्र में जनता को जवाबदेही के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। और तीसरी बात, हमारे संविधान में ही रोमाना जी सर्वोच्च न्यायालय सर्वोपरि है, जब कोई फैसला आ जाता है उस पर उंगली नहीं उठाई जाती, ये राहुल गांधी को पता होना चाहिए। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।